नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज रखे हैं कुणाल भाई की छत पे, तो पहले मिलवाते हैं कुणाल भाई से। और वहां पे क्या चल? बस बढ़िया भाई। और आज बात करने वाले हैं कुणाल भाई के कबूतरों के बारे में, कुणाल भाई की ब्लड लाइन के बारे में कि कौन सी कुणाल भाई पे ब्लड लाइन है, इस समय एट प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। कुणाल भाई, इस समय क्या क्या चीजें हो रही हैं अपने पास में, मतलब कौन कौन सी ब्रीड्स इस समय अवेलेबल है आपके पास? अमन भाई, मेरे को ये मलवई कबूतरों का शौक था, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इस बात को। जी जी। तो 4 साल से फिर ब्लड लाइन कलेक्ट करनी स्टार्ट करी थी, तो आज भी लगभग मेरे पे वही नस्लें हैं जो पहले थी, कामयाब हुई। जो नहीं हुए वो वक्त के साथ साथ हटते चले गए कबूतर। बाकी जो बिल्कुल एक नंबर जिनका रिजल्ट था पास थे, वही है ऑलमोस्ट। आप मान के चलो भाई कि मैंने 2.5 साल से कोई नई एडिशन नहीं करी अपने लॉफ्ट में। एक एक दो दो कबूतर की मैं कहता नहीं, कि कहीं से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता रहा, तो कहीं से मुश्किल ये 2.5 साल के अंदर 10-12 बर्ड्स कुछ परचेज करे होगे तो करे होगे, वरना उन्हीं के अंदर है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है भाई, कि मेरे पास 35 से 40 जोड़े हैं, और वो 35-40 जोड़े ही अलग अलग माँ बाप के हैं। तो उनमें आपस में कोई इनब्रीडिंग वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं है। 35-40 जोड़े अलग अलग, मतलब एक मजबूत ब्लड बना हुआ है। हाँ, मजबूत ब्लड बना हुआ है, और वो 35-40 के 35-40 अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। तो वो सारा का सारा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इनब्रीडिंग चल रही है, हम बाहर से बर्ड नहीं ला रहे। तो आप खुद समझदार हो, 40 जोड़े हैं, तो इनको भी अगर हम इनके बच्चे भी आपस में क्रॉस कराते रहे तो आगे चल के इनब्रीडिंग होने में भी मेरे ख्याल 25-30 साल लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए भी हम नई नई चीजें लाते रहते हैं। साल 2010-12 कबूतर मैंने खरीदे, बाकी ऑलमोस्ट 2.5 साल से मेरे वही कबूतर है। तो आप बच्चे, मैंने देखी थी आपकी वीडियो, लास्ट वीडियो आपकी, जो बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, आई थिंक ये वही बच्चे सारे के साथ। भाई ट्रेनिंग दी थी इनको, और मेरे पास इस टाइम पे 70-75 बच्चे भी रुक रहे हैं। एक बार ही मैं बोलूंगा भाइयों को, कैमरा घुमा के दिखा देना जरा दिल्ली के क्या हाल चल रहे हैं। दिल्ली के हालात भाई बहुत बुरे हैं। अभी दिखा जब से सुबह से आया हुआ हूँ, लग रहा है कि धुंध छा रही है, कोहरा हो रहा है, कोहरा नहीं सारा पोल्यूशन है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई पूरा कोहरा सा ही छा। ये तो कुलदीप भाई है, इनके पीछे जो है ना वो कोहरा है। कुलदीप के पीछे देखे भाई आया भी क्या। तो ये देखे आप, काफी ज्यादा, मतलब आप इस समय आपको लग रहा है कि काफी कम लग रहा होगा, लेकिन जो एहसास हो रहा है कि आंखों में इचिंग हो रही है या सांस लेने थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई, जैसे भी आपने दिखाई दिया कोरा कितना हो रहा था। बिल्कुल। तो भाई अभी क्या है, जब अपनी आंखों में इचिंग हो रही है तो ट्रेनिंग खैर इनकी रोक दी थी, जाल के पक्के कर लिया, बाहर खोल देता ऊपर बैठ जाते हैं। 70-75 बच्चे हैं, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी यही है भाई कि इनकी देखभाल अभी अच्छे से अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगले गर्मी तक बिल्कुल फिट करना है। कबूतरों के परवर खींचने का मेरा इतना विश्वास है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि इनके पर खींचना या कुछ। आप ये भी देख सकते हो कि एक भी कबूतर कैंच नहीं मिलेगा आपको मेरे यहाँ पे, मैं पर भी नहीं काटता किसी कबूतर के। बिल्कुल। मैं ही पर खींचना मेरे को पसंद है। तो ये अपने आप ही जो आपका होता है ना, अक्टूबर नवंबर के जो बच्चे होते हैं वो अगले साल गर्मी तक अपने आप ही ये वाले पुराने सारे मूल होकर के नए पर ले आएंगे। तो अभी इनको बाथ सॉल्ट से नहलाएंगे हर 10-15 दिन में। और दूसरी एक चीज और भी है, जो पर ये खुद लेके आएंगे ऊपर से हमारे उखाड़ने में भी नहीं आ पाए भाई, उखाड़ने में पता नहीं दिक्कत ही रहती है। और क्योंकि क्या होता है, मोल्टिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, कबूतर एक एक पर गिरता है और एक एक पर लाता है, एकदम से सारे निकाल देंगे तो वो उसमें बहुत वीकनेस हो जाती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती, मेरे को पसंद भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हमने इनको तैयार करा हुआ भाई, अभी इनको बाथ सॉल्ट वगैरह से नहला के इनको फ्रेश रखेंगे, जू वगैरह इनमें पड़ने नहीं देनी। वो मेरे भी चैनल पे सीरीज चल रही है बाजी की तैयारी की, तो अभी से स्टार्ट है भाई। अभी भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लोगों का विश्वास क्या है भाई कि बाजी कल है, आज रात को गोली लगा देंगे कबूतर उड़ जाएगा, लेकिन भाई अगर असल बाजी की आप तैयारी देखो तो वो 6 से 8 महीने पहले आपको करनी पड़ेगी। उसमें आपका ब्रीडिंग से लेकर के बच्चों को मेंटेन करने से लेकर के सारी चीज आ जाती है। अब दुनिया है ना, दुनिया इस समय बैठी हुई बादामों के ऊपर के भाई, बाजी शुरू होने से 1 महीना पहले बादाम खिला लो, पूरे साल कुछ मत खिलाओ अमन भाई, 1 महीना पहले बादाम खिलाओ तो सब कुछ हो जाएगा। देखो जो बादाम वाली बात है ना, जी जी, बादाम वाली बात भी ठीक है, वो अपना जिसका जैसे तरीका बना हुआ है वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं, लेकिन बादामों वाली बात में तो फिर आपने खुद ही एक बात बोली कि महीना पहले ठीक है, सारी बातें बोल रहा हूं, एक महीना तो वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जो भाई नए हैं या जो कबूतरों से इतना वाकिफ नहीं है अच्छी तरीके से, जो सिर्फ इस गेम को बाजी के लिए जीतने आए हैं, तो उनको लगता है कि सिर्फ 4 घंटे वाला कबूतर दे दो वो गोली लगा के 8 घंटे उड़ जाता है या 12 घंटे उड़ जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है,
बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम पहले से रियाज कराना इनको शुरू करना पड़ता है। अभी इनको ट्रेन करके रखेंगे तो इनको अब हम उसके बाद में अब कोरा पड़ जाएगा, ठंड आ जाएगी, तो फरवरी के 13 तारीख को बसंत पड़ता है जी, तो हम इनको 21 तारीख से बाहर निकालना शुरू कर देंगे, तो उसमें भी उड़ाएंगे नहीं इनको। 21 फरवरी से दोबारा इनको जाल पकड़ने की आदत बनाएंगे, बाहर खोल दिया करा, जैसे बाहर पानी रख दिया, बाहर डाल लिए, फिर ये 21 फरवरी से बाहर हिलना शुरू होंगे, और उसके बाद में इनका 1 मार्च से रियाज चालू होगा, और उसके बाद फिर तैयारियां, फिर कंपटीशन लगा के चलो कि 1 मार्च से 1 अप्रैल तक वो रहेंगे ये ट्रेनिंग के अंदर, फिर 1 अप्रैल से लगभग कोई ना कोई कॉम्पिटिशन चालू रहता है। आप एक बार सेटअप दिखा दो भाइयों को, मैं भी कह रहा हूँ कि क्या साफ सफाई रखी हुई है कि नहीं रखी हुई। पहला सेटअप जो है ये बना हुआ है, ये बेसिकली मेल्स का सेक्शन है, मेल यहाँ पे कुछ एडल्ट मेल छोड़े हुए हैं कुणाल भाई ने, ये ब्रीडिंग में जाने हैं सारे, ये सब ब्रीडिंग के लिए छोड़े हुए हैं, तो फिर अभी आपको दिखाते हैं अंदर आकर के। ब्लू बोले तो मेल और बस यही है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ये टोटल 11 मेल हैं जो यहाँ पे छोड़े हुए हैं। पहले तो आप ये देख लो, ऊपर की साफ सफाई देख लो, आप कहोगे दीवार, तो भाई दीवार के ऊपर तो देखो नहीं चढ़ सकते, लेकिन नीचे का फर्श देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सर्दी में भी ऐसे ही रहेगा भाई। बाहर आप देखो नीट एंड क्लीन, अभी दाना रख दिया है बर्ड्स को, बाहर खोलेंगे, दाना रख दिया है, अब इनको बाहर निकाल देंगे, दाना भी दिखाते हैं आपको क्या दाना डल रहा है इनको। और ये 12 महीने डलता है, ऐसा नहीं है कि शर्त शुरू होने से पहले पहले डाल दिया, बाकी ये सभी के सभी बच्चे हैं। शर्ट से पहले भाई स्पोर्ट्स वाला आ जाएगा दाना, अच्छा स्पोर्ट्स एडिशन जो है नहीं आया। हाँ जी, ये देखो जी, ये सभी चुन्नो मुन्नो, ये देखो जी बच्चों की क्वालिटी देखो आप, तो दोस्तों ये देखिए आप क्वालिटी वाइज सभी के सभी चिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही गजब और टोटल प्योरिटी के अंदर है। तो ये देखिए आप, और एक चीज़ और, किसी भाई को अगर चाहिए भी हो चिक वगैरह तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, बुकिंग कर सकते हैं अपने चिक्स की, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये बेसिकली फीमेल्स का सेक्शन है, इसमें सारी फीमेल्स रहती हैं, क्योंकि ये पिंक है तो पिंक बोले तो फीमेल, और सफाई यहाँ पे भी आपको काफी बढ़िया मिलेगी, मतलब वो वाला हिसाब नहीं किया हुआ कुणाल भाई ने कि चट्टे लगा रखे हैं बड़े बड़े, डेली साफ होती है, डेली पत्ती लगती है, अभी फिलहाल कबूतर बाहर निकले हैं तो अभी हाथों यहाँ पत्ती लग जाएगी यहाँ पे। बाकी थर्ड सेटअप भाई, ये स्मॉल ब्रीडिंग सेटअप है जो ऊपर की तरफ है, और ये लोगो लगवाया था कुणाल भाई, कहाँ गए बाकी कबूतर? ये ये लोगो एक तो ना दो गड़बड़ हो गई, काफी भाइयों को पसंद आया था लोगो ना, काफी लोग पूछे थे लोगो, तो भाई ये एक तो ना अगर लोगो लगाना है तो या तो आपका नॉर्मल दीवार हो, हाँ सरफेस प्लेन ना हो, ये चिपकता नहीं है। दूसरा क्या है कि जब कबूतर बाहर खुलते हैं ना तो कोई ना कोई आके बैठ जाता है, प्रेशर पे बैठते तो गिर रहे हैं, तो अब ये अभी सारे हटा करके ना इसके ऊपर सांचा बना के और वो जो हीट वाला पेंट होता है जो गर्म करके, तो उस पेंट से फिर करवा देंगे इसको सही, ठीक। बाकी अंदर भाई ये ब्रीडिंग सेटअप है कुणाल भाई का स्मॉल वाला, लाइटिंग ऑन कर दी है, और ये देखें आप कुणाल भाई यहाँ पे इस समय कितने पेयर्स होंगे अपने पास? 20 के आसपास, 20 पेयर लगभग यहाँ पे होंगे, तो दिखाते हैं। देखो जी चुन्नू मुन्नू निकल चुके हैं फिलहाल, अभी न्यूली चिक्स हैं, यहाँ सारे बच्चे छोटे हैं, ये देखें आप एग रखे हुए कहीं पे बच्चे हैं, ये एक जंटे वाला जोड़ा लेके आया था, अच्छा जी, तो ये हमेशा एक ऐसे निकालते हैं कलपरे कालीपुंछ के, ठीक है, एक बच्चा ये निकाल देते हैं कभी काले में थोड़ा इसमें डार्क, कभी काला कभी हरा टाइप का, और ये सबके पैर में भाई अभी फिलहाल हम रिंग चेंज करते रहते हैं कलर, तो अभी फिलहाल ये वाले रिंग डल रहे हैं, इम्पोर्टेड रिंग है, ठीक, ये भी वापस बनवाने लग गए हैं, आपके पास भी अवेलेबल है? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड रिंग और हमारे पास भी अवेलेबल है अभी, अवेलेबल, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप साइज देखिए, दोनों बच्चों के प्रॉपर सेम है, वो सेम क्यों है वो भी आपको उसका दिखाएंगे आपको आगे जाकर के, दो बच्चे दोनों, ये देखिए आप, ये भी 2-4 दिन में इनको आगे छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए आप एक चन्नू यहाँ निकला हुआ है, देखिए आप, ठीक है, बाकी लगभग सभी ने एग्स रखे हुए हैं। ये कुणाल भाई ये कौन सी ब्रीड्स में से है? ये भाई मेरा पुराना यूजर ही है, मेरे जो कलपरे वाली लाइन है ना, उसमें से ही है घर का।
ये करने वाला मेरा फिगर लाया था मैं। ये देखें आप, साइज जो है सभी बच्चों के लगभग लगभग बराबर रहते हैं। ये देखें आप, इनके भी बराबर है क्योंकि अभी आज ही निकले। देखो इनके भी बराबर है। हेलो भाई, ये अच्छा, कौन सी ब्रीड में से है? ये कौन सी ब्रीड है ये भाई? ये है आपकी कबूतरी लाया था भाई, ये डॉक्टर प्रिंस प्रधान जी से। अच्छा जी, इसका नर भी है, वो जोड़ा मैंने दिखाया भी हुआ है, फीमेल है, वो भी ऐसा ही है। और भाई बच्चे निकलने के बाद तो साइज बराबर रहता ही रहता है। आप ये देख सकते हो, निकलने से पहले भी साइज बराबर है, बिल्कुल देख सकते। तो दोस्तों दाना डल चुका है और दाना वही डला है जो हम भी यूज करते हैं सुपर ब्रीडिंग। ये भाई आप ये देख सकते हो, ये वाले दो बच्चे ये नहीं निकले हैं। ये हमारे उस्ताद जी अजय चौधरी साहब को बड़ा पसंद है कलर जी, और ठेकेदार बोलते हैं इन कबूतरों को, रेड कलर वालों को, रेड कलर वालों को। ठीक तो है। ये खैर अब मेरे पास ऐसा फुर्ती देखे, मेरे पास कोई ऐसा जोड़ा नहीं है। ये देखो एक ये बच्चा आ रहा है जी जी, मेरे पास इस कलर के कबूतर पहली बार ही बने हैं। ये बने भी कैसे है भाई? काली मार्केट में गाओ, ये जो काली मख्याली ये जो आपका जा रहे हैं वो हरे छल्ले वाला नर आगे को। भाई आप वो देख सकते हो, वो जो पीछे वो लाल नर बैठा हुआ है। हाँ ये वाला जो लाल नर मादी किसी और की बैठ गई है अभी घबरा के, और वो काली कबूतरी जो उसके साथ में बैठी है, इनके बच्चे निकले हैं इस टाइप के। बहुत बढ़िया, ये रहेंगे बड़े होकर किस कलर के तो बड़े होकर पता चलेगा। बिल्कुल। तो भाई आ जाते हैं बाहर, कबूतर गए हैं डर खाना खाने के लिए। आओ अभी सारे आ जाएंगे भाई, भाई रख दे दाना इनका भी। तो ये देखें आप, सभी के सभी दाना शौक से खा रहे हैं और यही राज है इनके प्रॉपर फिट रहने का, और जो बच्चे हैं वो भी फिट रहते हैं इनमें। ये कुलदीप भाई है मन, अमन भाई कुलदीप भाई है अपना, ये लगा लो सारा करता धरता यही है लॉफ्ट का। पीछे मैं चाहे कितने दिन के लिए भी चला जाऊं, आप गए तो थे पीछे भी, अभी मैं 5 दिन बाद वापसी आया हूं भाई दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं होती पीछे से ना भाई। जब पता है कि जिम्मेदार व्यक्ति है यहाँ पे केजरीवाल के दाने हाथ। तो ये देखिए ना भाई, बच्चे जो है सभी के सभी शौक से खा रहे हैं, और ये देखिए भूखे थे फिलहाल अभी। ओह तो कहाँ पे इनको लेके चलते हैं नीचे सेटअप में एक बार, बड़े ब्रीडिंग सेटअप में, फिर वीडियो करते हैं एंड। दोस्तों नीचे आ चुके हैं और खोल दिया है कुंडा और सब हो गए हैं तितर। भाई अब इनको भी दाना रखना है, ये देख लो भाई पहले दाना दिखा दो, पहले दाना डाल लेते हैं। ये सुपर ब्रीडिंग दाना है, दाने की क्वालिटी देख लें आप, बिल्कुल साफ सुथरा गजब, शाइनिंग अलग ही है दाने में। यही खाते हैं भाई जी जी, और ये थोड़ा सा जैसे ट्रे का डिजाइन ऐसा है ना, तो ट्रे के नीचे जो बच जाता है वो बच जाता है। बिल्कुल, तो थोड़ा ट्रे आगे को लगा दे कुलदीप, ये भी खा लेंगे, थोड़ा सा इससे आगे पीछे को ट्रे लगा दो। ये कुलदीप भाई दाना डालते हुए पूरे गेटअप में पूरे जोश के साथ में दाना डाल चुका है 3 ट्रेस के अंदर, और अब कबूतर का वेट है। तो कहाँ पे करना बाहर, फ्रेश वाटर देना ही चाहिए हर बार जब भी आप, थोड़ी देर के बाद में कभी ना कभी कोई ना कोई कबूतर कुछ ना कुछ, कभी किसी ने बीट कर दी, किसी ने दाना गिर दिया, तो बैक्टीरिया ग्रोथ बन जाती है इनके अंदर, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है वो अवॉइड करने के लिए। जब कबूतर खोलने से पहले अंदर का दिखाता हूँ भाई, समझ नहीं आता कि अंदर कितने कबूतर हैं कितने नहीं हैं। बिल्कुल, आप ये देखना कमरे का साइज बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन कमरे के हिसाब से कबूतर देखो भाई कितने हैं, ना के बराबर भाई कबूतर लगभग सारे अंदर हैं, 4-5 बाहर होंगे मुश्किल से। और आप ये देख लो कि इतने बड़े साइज के अंदर कितनी कुनाल भाई ने ब्रीडिंग करा रखी है, जमीन का सफाई वगैरह भाई सारा, ये सब कुलदीप मेंटेन करता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीडिंग भाई ऑलमोस्ट डन है हर जगह पे, एक निकल चुका, दूसरा कल तक दिख जाएगा या रात तक दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं ब्रीडिंग देखने को मिलेगी, और बहुत प्यारी ब्रीडिंग की हुई है। ये देखें आप, ये देखें
ये देखें, एक ये देखें, दो ये बैठे हैं, दो वाला यहाँ बैठे हैं, दो ये बैठे हैं जी, ये एक काले कुणाल भाई के, ये देखो जी, ये भी काले के ही है भाई। लाल सिरे सुंदर कह लो इनको, अरे कतई तेज हो रहा। और रिंग की देखो कितनी ग्रेस आ रही है इस कलर की रिंग की, बिल्कुल रिंग बहुत सुंदर लग रही है ना। वो भाई क्या बात हो भाई छोटे, आप लगा के चलो भाई, ये चुस्ती रहती है बच्चों को सुपर रीडिंग में ना। वो देखो ये क्या करेंगे अभी हफ्ते 10 दिन में, चलो अपनी डोरी में ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये कूद, हफ्ता 10 दिन करो सॉरी, दो या तीन दिन 4 दिन के अंदर आराम से कूद जाएंगे नीचे। ये देखो जी भाई ऑलमोस्ट 100% ब्रीडिंग कहेंगे इसको हम, ठीक है ये बैठे सबके पैर में रिंग हो जाए बिल्कुल। तो भाई यही है कबूतर आप देख रहे हो भाई, शौक जो किया है कुणाल भाई ने टॉप लेवल का किया हुआ है। अब कबूतर बेचारे भूखे होंगे, ज़्यादा ना तड़पाते हुए इनको बाहर बुला लेते हैं। कुलदीप भाई बाहर निकाल देना इन सबको, ये देखें आप सभी के सभी खाना शुरू हो चुके हैं, कुछ जो हल्का डर रहे हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, अदरवाइज सभी के सभी नीचे आ चुके हैं। तो भाई धीरे से साइड से निकल जाएं हम भी और इनको खाने दें, खा लो, आओ आओ इनके भाई, ये अभी क्या टाइम हो रहा है दिखा दो, ये देखो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:08, इधर धूप दिखा दो, ये सर्दियों का टाइम है तो 2:15 बजे तक धूप रहती है इसमें। इनमें बोल रहे थे कबूतर अपने आराम से पर्चों पे बैठे रहते, धूप सेकते रहते हैं और वैसे भी ये दरवाजा खुला रहता है शाम को, फिर बंद करते हैं इनको। तो भाई ये तो ओवरऑल शौक कुणाल भाई का, तो ओवरऑल शॉक कैसा लगा आपको कुणाल भाई का कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा भी और कुणाल भाई का भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक। इस तरह के शौक को और देखने के लिए कैसे इन बच्चों की, 70 बच्चे हैं इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कैसे इनकी पहली उड़ान ली जाएगी, पहली उड़ान की टाइमिंग कितनी आएगी, सीरीज चल रही है विदाउट पानी के भी, बाकी नुस्खे तो छोड़ दो, सूखे बिल्कुल बच्चे कितना उड़ेंगे, पहला पानी जब लगेगा 5 ml तब कितना उड़ेंगे, वो सब चीज डिटेल दी जाएगी आपको। आप ये लगा लो कि बच्चे हिलाने से लेकर के उड़ाने तक सब चीज, मतलब एक एक पॉइंट समझ लो कि अंडे में से बच्चा निकलने तक आसमान में 12 घंटे रुकने तक पूरा सफर तय करेंगे, तो वो चीज आपको क्वालिटी दिखाई जाएगी और वो भी विदाउट मेडिसिन के, ठीक है। और अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं कोई, अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं चिक्स की, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा प्लस स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा होगा। उसके लिए तो भाई एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप डाल के छोड़ देना, क्योंकि अभी आप एक चीज समझ जाओ कि भाई मैं बाहर से लेकर के तो देता नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अब अमन भाई ने आपको कबूतर दिखा दिए भाई, 20-21 जोड़े ऊपर है और बाकी नीचे भी 30-35 जोड़े हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इन्हीं के ही होते हैं। तो भाई बुकिंग एक तो अपना टाइम से करा लेना, अपना साथ में को भी एक से डेढ़ महीना लगता है जब भी बुकिंग कराओगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्योंकि भाई बाहर से लेके मैं देता हूं, अगर आपके पास टाइमिंग हो और आपको अच्छी चीज चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। घर की मसल है, जब बड़ा होगा बच्चा निकलेगा तो वही प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग जाता है, चीज की गारंटी। प्लस आपको कोई भी सप्लीमेंट चाहिए हो या फीड वगैरह चाहिए हो कबूतरों की, कबूतरों से संबंधित, तो आप कुनाल भाई से संपर्क कर सकते हैं। वो अमन भाई से कर लो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।